गाइस वेलकम टू गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं कोरबस OS 7.0 के बारे में। सो गाइस अगर बात कर ले इस रॉम के डिटेल्स के बारे में तो ये एक एंड्रॉइड 10 बेस्ड रॉम है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोरबस वर्जन है 7.0 ऑफिशियल। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पैच जो देखने को मिलता है वो है 5 July 2020 जो कि एकदम से लेटेस्ट है एंड पर्फ कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है। अगर सेलिनक्स स्टेटस की बात कर ले तो यहाँ पे हमें एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। रोम के यूआई में गाइस कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है एंड जो एनिमेशन स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसलिए यूज़र एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी दिखाई देता है। यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है वो एक्चुअली कोरबस लॉन्चर है जो पिक्सल लॉन्चर की तरह ही फास्ट एंड स्मूथ है, लेकिन चेरी ऑन टॉप इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग जल्दी से इसके सेटिंग्स में आ जाए एंड बात कर ले, यहाँ पे फर्स्ट मेन्यू है आइकन्स। आइकन्स मतलब आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को अप्लाई कर सकते हैं। होम स्क्रीन में भी काफी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रिड साइज एंड एट ए ग्लांस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड अगर लास्टली हम आ जाए यहाँ पे मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में आते ही आपको यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप का फीचर देखने को मिल जाएगा जो काफी ज्यादा हैंडी साबित हो जाता है जब आप ऐप को हाइड या फिर प्रोटेक्ट करना चाहे तो। नेक्स्टली यहाँ पे बात कर ले अगर QS पैनल को लेकर, तो QS पैनल में बेसिक जितने भी टाइल्स हमें डे टू डे यूजेज में जरूरत पड़ते हैं सब यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ और भी फीचर रिच टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं पैनल को एक्सपैंड करने पर ही। यहाँ पे आपको USB टेथरिंग के साथ साथ स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पे अगर बात कर ले तो गेमिंग मोड के लिए भी टाइल हमें देखने को मिल जाता है। डीसी डिमिंग के लिए भी यहाँ पे टाइल है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कैफिन मोड, हॉटस्पॉट, इनफैक्ट स्विच डेटा कार्ड के लिए भी टाइल अवेलेबल है। स्क्रीन रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर के साथ साथ लाइव FPS काउंटर के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइल है जो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं सेटिंग्स को लेकर। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा वो है रैवन्स लेयर। रैवन्स लेयर कोरबस का एक्चुअली कस्टमाइजेशन सेंटर है, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है एंड सबसे फेवरेट जो है मेरा वो है कि इसका UI जो कस्टमाइजेशन मेन्यू है वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे UI को प्रेजेंट किया गया है। इससे सारे जो मेन्यूज है वो काफी अच्छी तरह से सेग्रीगेटेड है एंड आपको ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होती है। फर्स्ट में मिसलेनियस में बात कर ले तो आपको यहाँ पे स्क्रीन एनिमेशन के साथ साथ गेमिंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे डायनेमिक मोड को भी ऑन कर सकते हैं जो बेसिकली गेम डिटेक्ट करके इसे ऑन कर देता है, या फिर आप तो एकदम इंडिविजुअली एप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप गेमिंग मोड को ऑन देखना पसंद करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो सेंसर ब्लॉक पैकेज के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड मिल जाएगा एंड यहाँ पे और भी काफी सारे मेन्यूज प्रोवाइडेड हैं। नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे एक मेन्यू है जो कि हेड्स अप ऑप्शन, हाइड स्मार्ट रिप्लाइज, नॉइजी नोटिफिकेशन एंड चार्जिंग एनिमेशन को ऑन या ऑफ करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे अगर बात करें लॉक स्क्रीन को लेकर तो लॉक स्क्रीन में कितने सारे आइटम्स होंगे, जैसे मेनली लॉक स्क्रीन स्टाइल जो कि लॉक स्क्रीन के UI को आप अगर चाहे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, क्लॉक फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप चाहे तो यहाँ पे डेट स्टाइल, डेट फॉन्ट एंड इनफैक्ट डेट फॉन्ट साइज को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साथ ही साथ ओनर इन्फो फॉन्ट ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल टन्स ऑफ ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको विजुअलाइजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही अगर फिंगरप्रिंट प्रेफरेंसेस में आ जाए तो आप यहाँ पे आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप चाहे तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफी सारे चॉइसेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर नेक्स्टली बात कर ले यहाँ पे बैटरी ऑप्शन को लेकर, तो कैसे यहाँ पे चार्जिंग LED, एग्रेसिव बैटरी एंड बैटरी बार को आप कन्फिगर कर सकते हैं, इनफैक्ट बैटरी एस्टिमेट एंड बैटरी लोकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ बैटरी आइकन स्टाइल को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैरियर लेवल में आ जाए तो बेसिक जितने भी कैरियर लेवल्स है वो डिसेबल मैंने कर रखे हैं, वो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं एंड क्लॉक ऑप्शंस पे जाए तो क्लॉक पोजीशन के साथ साथ क्लॉक को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि आपके स्टेटस बार में शो होता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर क्विक सेटिंग्स पे ही आ जाए तो क्विक सेटिंग्स पे आपके कितने फ्रंट रूमी टाइल्स होंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में वो आप यहीं से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे OOS क्लियर ऑल बटन को भी एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि QS टिंट एंड साथ ही साथ बात कर ले तो हेडर इमेज भी आप यहीं से ही ऑन कर सकते हैं।
है। यहाँ पे आप चाहे तो एनिमेशन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं QS सेटिंग्स के। नेक्स्टली ट्रैफिक इंडिकेटर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले बटन्स, नेविगेशन एंड पावर मेन्यूज में, तो वो भी काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो आप कन्फिगर कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्टली यहाँ पे आइकन मैनेजर में मैं बताना यही चाहता हूँ कि यहाँ पे कस्टम लोगो को भी आप ऑन कर सकते हैं एंड सिग्नल आइकन स्विच, यहाँ पे आप बोल्डी आइकन को भी कन्फिगर कर सकते हैं। एंड एक और आइकन जो इस अपडेट के साथ कोर्बस रॉम में आया है वो है वो वाईफाई आइकन स्टाइल। आप चाहिए तो वो वाईफाई के लिए भी सेपरेट आइकन को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जब आप वाईफाई कॉलिंग में कनेक्टेड रहेंगे तब वो आइकन आपके स्टेटस बार में शो होगा। तो ओवरऑल ये कस्टमाइजेशन सेंटर काफी ज्यादा फीचर रिच है, मुझे काफी अच्छा लगा। अब नेक्स्ट जो सबसे मेन बात है वो है थीम्स। अब इससे उनका थीमिंग सेंटर भी काफी ज्यादा फीचर रिच हमें देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेंट कलर को पिक कर सकते हैं, इनफैक्ट फॉन्ट टाइप को आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफी सारे आइकन शेप भी देखने को मिल जाते हैं एंड क्यू स्टाइल को भी आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो QS हेडर स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं एंड स्विच स्टाइल जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट OnePlus है, और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें से आप चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यही खत्म नहीं होता, आप यहाँ पे सिस्टम थीम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा थीम आपका रहेगा। सो गाइस ओवरऑल थीमिंग सेक्शन काफी ज्यादा फीचर रिच है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये है QS टाइल स्टाइल। इसमें आप किसी भी ऑप्शन को चेंज करेंगे यहाँ पे तो उस हिसाब से जो QS पैनल के टाइल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए मैं अगर निंजा में चेंज कर लूँ इसे, वो पूरी तरह से यहाँ पे निंजा के ब्लेड के स्टाइल में चेंज हो चुका है। वैसे ही आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे और भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप चेंज करेंगे आपका QS पैनल भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्टली अगर बात कर लें नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में वाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वोल्टी वीडियो कॉल एंड वो वाईफाई कॉलिंग भी एकदम अच्छे से काम करता है। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस रॉम में कॉलिंग का क्या सीन है। वेलकम टू जियो बांग्ला चोनो एक्टिवेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी सीमलेसली यहाँ पे कॉलिंग काम करता है। इनफैक्ट नेक्स्टली अगर यहाँ पे बात कर ले बैटरी को लेकर, तो बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी डिसेंट बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आपको 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से देखने को मिल जाएगा मॉडरेट यूजेज में। आप यहाँ पे हार्ड कोर गेमिंग भी कर सकते हैं। आपका बैटरी ड्रेनेज जो है मेरे हिसाब से काफी यहाँ पे लो मुझे देखने को मिला एंड जो आइडियल बैटरी कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। यहाँ पे ब्लूटूथ को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ भी एकदम अच्छे से करता है एंड डिस्प्ले में भी सारे जो ऑप्शंस है एकदम अच्छे से ही काम करते हैं। इनफैक्ट आपको डेंसिटी ऑप्शंस में यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एंड जो DPI सेटिंग है वो भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है एंड एंटी फ्लिकर मोड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे एकदम परफेक्टली वर्किंग है। कोई भी अभी तक का मुझे बग यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एंड अगर बात कर ले यहाँ पे साउंड को लेकर, तो साउंड में भी एकदम अच्छे से ही काम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। काफी लाउड यहाँ पे साउंड है एंड इनफैक्ट यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी आपको देखने को मिल जाता है जिसमें बेसिकली आपको हाईफाई ऑडियो एंड इक्विलाइजर सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। हाँ एक और बात, डिस्प्ले सेटिंग में अगर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आ जाए एंड क्लॉक्स की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको काफी टाइप के क्लॉक फेसेस देखने को मिल जाएंगे जो आपके लॉक स्क्रीन के UI को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। यहाँ पे बात कर लेकर सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है बायोमेट्रिक्स में। इनफैक्ट आपको जो बेसिक पिन पैटर्न पासवर्ड है वो भी एकदम परफेक्टली ही देखने को मिलता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट जस्ट विद इन ए टैप यहाँ पे ऑन हो जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। स्पीड भी काफी अच्छा है, एक्यूरेसी भी काफी अच्छा है, आप इसमें आराम से रिलाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे फेस अनलॉक को लेकर, तो फेस अनलॉक भी एकदम अच्छे से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्लो लगा। तो नेक्स्टली अगर एक बग की ही बात कर ले, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने फेस किया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो आप जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रखते हैं एंड फिंगरप्रिंट को वहां से ऑन करने की कोशिश करते हैं, तब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा लैगी हो जाता है एंड कुछ देर के लिए स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो इस रॉम में मुझे लगा, ये काइंड ऑफ एक ग्लिच था। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि वहां पे ज्यादा फिंगरप्रिंट मत यूज कीजिए, आप लॉक स्क्रीन में आके फिंगरप्रिंट यूज कीजिए ताकि वैसे सिचुएशन में आप स्टक ना हो जाए। नेक्स्टली यहाँ पे अगर बात कर ले सिस्टम मेन्यूज को लेकर, तो सिस्टम मेन्यूज में भी आपको फ्रंट कैमरा, साउंड इफेक्ट्स, जेस्चर्स एंड आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी सिस्टम अपडेटेड देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब अगर कोई फ्यूचर अपडेट आप रिसीव करते हैं कोर्बस रॉम का, तो वो आप डायरेक्टली सिस्टम अपडेटेड से अवेल नहीं कर पाएंगे। आपको बाहर से जिप डाउनलोड करके कस्टम
सिस्टम रिकवरी से ही फ्लैश करना पड़ेगा। नेक्स्टली अगर यूआई में ही आ जाए नॉर्मल होम स्क्रीन में, तो यहाँ पे हम लोग कैमरा के बारे में बात कर ले तो एनएक्स कैमरा प्री लोडेड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको न्यू MIUI 12 का रिफ्रेश यूआई देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात कर ले सारे ऑप्शन की, तो व्लॉग मोड एकदम अच्छे से काम करता है, जितने भी वीडियो मोड्स है एकदम अच्छे से काम करते हैं अप टू 4K 60। सो क्या सुपर स्लोमो भी एकदम अच्छे से काम करता है, इनफैक्ट नाइट मोड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये एनएक्स कैमरा आप आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जी कैम के फैन है तो आप जरूर से जी कैम भी यूज कर सकते हैं। तीनों जो लेंसेस है एकदम अच्छे से काम करते हैं, जी कैम एकदम आराम से सपोर्टेड भी है इस रॉम में। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं DRM Info के बारे में। तो DRM Info में हम लोग देख सकते हैं वाइड बैंड सीरियम का जो सिक्योरिटी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है L1, जो बेसिकली यही मीन करता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि काफी एक अच्छी बात है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको बाहर से नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं पर ही नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अगर लास्टली बात कर ले वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो वॉल्यूम पैनल हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इनफैक्ट वॉल्यूम पैनल में कोई भी साउंड लैग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम पैनल से साउंड इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपको एक स्वीट सा वाइब्रेशन या हैप्टिक फीडबैक फील होगा, जो काफी ज्यादा सूदिंग है। चलिए नेक्स्टली गाइस बात कर लेते हैं इस रॉम के परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस चलिए एकदम से ही जल्दी से इस रॉम का गेमिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लाइव FPS काउंटर का टाइल जो है वो भी ऑन करके रखा है, ताकि आप सभी को रियल टाइम FPS का भी पता चलता रहे। सो गाइस जो गेमिंग परफॉर्मेंस इस रॉम ने मुझे प्रोवाइड किया वो एक्सट्रीमली गुड है, मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। एंड FPS भी यहाँ पे मुझे काफी कंसिस्टेंटली 58 से 60 के अंदर ही मिल रहा था, डिवाइस ज्यादा हीटअप भी नहीं होता है, एंड सबसे इंप्रेसिव बात है चार्ज भी काफी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है। तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा, जो गेम सेंट्रिक यूजर्स है वो आराम से इस रॉम को यूज कर सकते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे Geekbench स्कोर को भी रन किया, आपसे मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन Geekbench स्कोर यहाँ पे काफी एवरेज मुझे देखने को मिला, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड मैं ये रॉम आराम से सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ, हैवी यूजर्स के लिए भी ये रॉम काफी अच्छा रहेगा, एंड मॉडरेट यूजर्स भी इस रॉम को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रॉम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ता है, एंड हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाइप में जाएंगे, डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को हम लोग क्या कर लेंगे वाइप। वाइप करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वेंडर फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना पड़ेगा। अब वेंडर फाइल हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 12.0.1.0 का वेंडर फाइल, तो ये रहा, फ्लैश कर देंगे हम लोग जल्दी से फ्लैश। तो गाइस हो चुका है वेंडर फ्लैश। इसके बाद हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, कोर्वस रॉम का जो फाइल है यहाँ पे कोर्वस 7.0, उसे यहाँ पे ओपन विद करेंगे फ्लैशेबल जिप। देन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये स्टेप जो मैंने अभी दिखाया ये काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ट्राई करेंगे तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो है .jar, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इसे फ्लैश कर देंगे। सो गाइस ये भी हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग जल्दी से क्या कर लेंगे, यहाँ पे fcrypt disabler का जो यहाँ पे zip फाइल है इसे फ्लैश कर लेंगे, एंड इसके बाद ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन सिम प्रेफरेंसेस को भी जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क पे कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब कर लेने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। एंड अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।